Good morning, everyone. Continuing from our last lecture, RBI के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसकी functions के बारे में हम पढ़ रहे थे. First function issue of currency हम कर चुके थे. Next function जो हमारा है, that is regulation of credit. Regulation of credit में क्या है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि economy में जो money आपकी circulate हो रही है, उसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए जो पॉलिसी बनती है उसके बारे में. तो जो रिजर्व बैंक है वो डिसाइड करता है क्रेडिट पॉलिसी कंट्री की, कि कैसे उसे कंट्रोल करना है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट. वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इकोनॉमी में कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के. जो हम पढ़ते हैं मनी मॉनेटरी, मनी से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, इसमें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं. अब जो आरबीआई है वो कैसे कंट्रोल करती है जो क्रेडिट है, मतलब जो मनी है उसके सर्कुलेशन को या उसके वॉल्यूम को, कि इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है इकोनॉमी में, इसके थ्रू रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक को जो आरबीआई है वो लोन देती है. अगर ये रेट आरबीआई इंक्रीज कर देती है तो बैंकों के लिए क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा जो भी वो लोन ले रहे हैं आरबीआई से. जब वो आगे उस मनी को लेंड करेंगे, जो पर्सन बैंकों से लोन लेने आ रहा है, तो उसको हाई रेट पे करेंगे, तो पैसा मतलब लोन लेना आपके लिए क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा. तो लोग लेंगे नहीं लेंगे वो थोड़े उससे डिसाइड करेंगे कि नहीं महंगा है अभी हम लोन नहीं लेंगे, वो कोई और मीडियम ढूंढेंगे. सेम तरीके से अगर रेपो रेट को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कम कर देता है, रेपो रेट को कम कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा. बैंकों ने लोन सस्ता आरबीआई से लिया. अब जब वो आगे देंगे लोगों को लोन बैंक, तो वो भी कम रेट पे देंगे. इसका मतलब कि आरबीआई क्या कर रही है, मनी को, जो क्रेडिट जिसे हम कह रहे हैं, उसको इकोनॉमी में एक्सपैंड कर रही है. एक्सपैंड मतलब उसको इंक्रीज कर रही है. अगर वो रेट इंक्रीज कर देती है, रेपो रेट को इंक्रीज करती है, तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कम करना चाहती है, कि जो मनी है वो कम होनी चाहिए इकोनॉमी में, तो उसके लिए वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है. डिक्रीज करती है तो एक्सपैंड होगा. सेम तरीके से बहुत सारे अदर टूल्स हैं जो आप आगे जब आपका चैप्टर आएगा आरबीआई में, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ जो टूल्स हैं उनका मीनिंग जान लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट. ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है उस डिपॉजिट्स पर जो कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास रखा हुआ है. देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है जो सिक्योरिटीज बाय और सेल आरबीआई कर रही है ओपन मार्केट में. देन कैश रिजर्व रेशियो. हर एक जो बैंक है कंट्री में, उसे एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ अपना डिपॉजिट्स कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. देन स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो. स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है एक सर्टेन परसेंटेज में बैंक को अपने डिपॉजिट्स जो हैं उसके पास, उसे लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखने हैं. कंपलसरी है उनके पास, उनके लिए, कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है उनके पास, उसे उन्हें लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है. लिक्विड एसेट्स मतलब जिसे आप इजीली कन्वर्ट कर सको कैश में. कंपलसरी है उस फॉर्म में रखना. देन नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. इसका मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है
जिस बेसिस पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन सेंक्शन करेंगे कंज्यूमर्स को. ये जो टर्म्स हैं इसमें टाइम पीरियड क्या होगा लोन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पर्पस क्या होगा जिसके लिए लोन दिया जाएगा, एक्सेट्रा जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन. मार्जिन का यहाँ पे मतलब होता है कि सपोज किसी पर्सन ने लोन लेना है और वो लोन लेने बैंक के पास गया, उसे सपोज 100 रुपये का लोन लेना है, तो बैंक उससे 100 रुपये का लोन अगर देगा तो उसे 120 रुपये की वो सिक्योरिटी रखवा रहा है. तो जो ये 20 डिफरेंस है दैट इज योर मार्जिन. मार्जिन का मतलब है डिफरेंस, जो अमाउंट ऑफ लोन आप दे रहे हो, बैंक आपको दे रहा है, और उस वैल्यू गुड की जो वो आपसे रखवा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. देन रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब एक फिक्स लिमिट लोन की जो बैंक ग्रांट कर सकता है किसी भी पर्सन को. देन आता है जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज बैंकर्स ऑफ बैंक. बैंक रिजर्व बैंक को बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है क्योंकि किसी भी नीड के टाइम पर जो बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक से बोरो कर सकते हैं. सिर्फ बैंक्स ही नहीं, इवन गवर्नमेंट भी जो RBI से है वो बोरो करती है. देन है बैंकर टू ऑफ द गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकते हैं फंड्स RBI से. जो रिजर्व बैंक है वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट को वेरियस मॉनेटरी मैटर्स में. पब्लिक डेप्ट जो गवर्नमेंट का है, मतलब पब्लिक से जो पैसा गवर्नमेंट लेती है, लेती के सेंस में इशू करके कुछ सिक्योरिटीज को, उसे मैनेज भी गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI करता है. तो जो गवर्नमेंट का बैंकर है वो फंक्शन RBI परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो रिजर्व बैंक है वो होल्ड करता है, अपने पास रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नेशन के. ये रेगुलेट करता है ऑथराइज डीलर्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि कौन परचेज और सेल कर सकता है फॉरेन करेंसीज को. रेगुलेट करता है कि कैसे जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो कंट्री में भेजी जा सकती है या कंट्री से बाहर भेजी जा सकती है. देन नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये हमने RBI किया. नेक्स्ट जो हमारा आता है बैंकिंग सेक्टर में, दैट इज योर कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स का मतलब है वो इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट पब्लिक से और ऑर्डिनरली एडवांस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स को. बैंक्स भी क्रेडिट क्रिएट करते हैं. इंडिया में इन बैंक्स को कहा जाता है कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि वो हम उसे कमर्शियल बैंक क्यों कह रहे हैं या किसको हम कमर्शियल बैंक कह रहे हैं. मेन मोटिव कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव होगा, बट ऑब्वियस है. लेकिन जो बैंक्स इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हैं उसी को हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है आपका शेड्यूल बैंक्स, दूसरा है नॉन शेड्यूल बैंक्स. शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? वो बैंक्स जो लिस्टेड हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक के एक्ट के अंडर, तो उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं. कंडीशंस होती हैं शेड्यूल बैंक कहलाने के लिए. बैंक लिस्टेड होना चाहिए सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में. देन उन बैंक्स को सबमिट करनी है अपनी डिटेल्स एक्टिविटीज़ की रिजर्व बैंक को एवरी वीक. और जो शेड्यूल बैंक है उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है और जो रिजर्व फंड है वो 5 लाख रुपये तक होना चाहिए, तो उसे हम शेड्यूल बैंक कहेंगे. ये कंडीशंस जब वो फुलफिल करेगा तो ही वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा. तो शेड्यूल बैंक के बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक. नॉन शेड्यूल बैंक्स की जो पेड अप कैपिटल होती है वो लेस देन 5 लाख रुपीज होती है. ये बैंक सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में लिस्टेड नहीं होते हैं, ना ही RBI का कोई इफेक्टिव कंट्रोल इनके ऊपर होता है. लेकिन इन्हें भी, इन बैंक्स को भी सबमिट करवानी होती है वीकली रिपोर्ट अपनी एक्टिविटीज को रिजर्व बैंक को. देन आता है कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स में कौन कौन हम इंक्लूड करते हैं, किस किस बैंक को हम इंक्लूड करते हैं. इसमें हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स जो ओन कंट्रोल और मैनेज करती है गवर्नमेंट. ऑन मार्च 2008 76 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में थे, जिसमें से 56 रीजनल रूरल बैंक्स थे,
पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो इंडिया में हैं उसे हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सबसिडरीज बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था कंट्री का, एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरीज एक्ट पास हुआ था और उसके प्रोविजंस के हिसाब से फिर इसकी 7 सब्सिडरीज बना दी गई थी, जो थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। लेकिन अब एट प्रेजेंट जो इसका स्टेटस है, दैट इज इसकी 7 की 7 सब्सिडरीज को वापस मर्ज कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं, दैट इज नेशनलाइज्ड बैंक। 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया, तो जो टोटल नंबर था वो हो गया 20। देन थोड़े टाइम बाद जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसे मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसका नंबर दोबारा से 19 आ गया। इन बैंकों को जो खोला गया था वो इसलिए खोला गया था कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज है थ्रू आउट द कंट्रीज उनको इंक्रीज किया जा सके। नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक को एस्टैब्लिश किया गया पब्लिक सेक्टर में। 2017 में गवर्नमेंट ने भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 जो गवर्नमेंट है उसने मर्जर अप्रूव किया है विजया बैंक का देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्हें आपस में मर्ज करके उनका जो नंबर है वो कम कर दिया गया है, जैसे कि कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया है। ये और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें, तो वो आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बैंकिंग कमीशन 1972 ऑन अक्टूबर 2 1975 5 रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए। उनका मेन फंक्शन क्या होता था? इनका मेन फंक्शन है कि जो रूरल एरिया में जो छोटे फार्मर्स हैं, रूरल वर्कर्स हैं, उनको हेल्प करना ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जा सके। कैपिटल इन बैंक्स को प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो फाउंडर बैंक होता है वो। अप्रैल 2018 में 56 रीजनल रूरल बैंक्स इंडिया में काम कर रहे थे। देन आता है नेक्स्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स जिनकी जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब जो रिजर्व बैंक है उसने लिबरल सेंक्शन शुरू की कि जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो मार्च 31, 2018 को 25 प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं वो इंडिया में वर्क कर रहे थे। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हाई लेवल मॉडर्न कस्टमर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में वो हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे